सिंपल सिंपल मकान होते हैं, तो वहां पे कुछ और ही कहानी होती है। मतलब ये देख के लगता है कि ये सरकारी टाइप मकान बने हुए हैं, एक जैसे एक दूसरे के रेप्लिका है, पुराने हैं, महाड़ा टाइप की बिल्डिंग है। तो कहानी का पहले मेन्यू सेट होता है, फिर ये सेट होता है कि ये कैरेक्टर्स कौन है। तो ये कैरेक्टर्स है, अगर ये सिंगर बनने आई थी बॉम्बे तो ये बाहर से आई होगी। तो बाहर से कहाँ से आई है, मैं नॉर्थ इंडिया, इनको नॉर्थ इंडियन इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरे से नॉर्थ इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन होता है ना तो लोग फिर भाषा और ये और वो परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं उनको चाहता था कि ये कैरेक्टर साउथ से आए। तो चेन्नई से तो आ नहीं सकते क्योंकि चेन्नई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है हिंदी में गाना चाहता है तो बैंगलोर से आया हूँ। तो बैंगलोर में मिले कैसे होंगे, अगर ये महाराष्ट्र है तो ये कोंकणी, ये कोंकण से है, ये साउथ से, ये दोनों मिले बैंगलोर में, वहां पे मिले, वहां प्यार हुआ, एक साथ बॉम्बे आए। तो हम लोग इस तरह से चीजें डिसाइड करते हैं। तो एक एक कैरेक्टर उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। तो ऊपर वाला जो, अगर इस तरह के घर में ऊपर पॉलिटिशियन तो रहेगा नहीं, पॉलिटिशियन का घर होगा, उनके बड़े घर होते हैं, उनके घर होगा तो घर का पर्पस क्या है, वो किराए पर तो दिया नहीं है तो घर का पर्पस कुछ और है। तो छोटी छोटी चीजें डिस्कस होती हैं और फिर बाकी सब जो है हमारे जो टीम है वो लेके आती है अपने साथ। तो प्रशांत सावंत है और वो खुद मिडिल क्लास महाराष्ट्र है, मैं उसको क्या बताऊंगा कैसे कॉस्ट्यूम करना है, उसको मुझसे ज्यादा पता है, तो वो लेके आता है। तो उसके बाद सवाल ये आता है कि चलो कॉस्ट्यूम तो उसको पता है क्या करना है, रंग की बात, रंग चुनने की बात आती है, किस तरह के रंग हम लोग। तो मेरा सिनेमेटोग्राफर और प्रोडक्शन डिजाइनर ने बैठ के ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उसको बोलता हूँ रंग पूछना जाके सिल्वेस्टर से पूछूं। तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। तो फिल्म जो है ना, अगर फिल्म को आप देखें उस बिल्डिंग की तरह, तो अगर हर आदमी अपने हिस्से का काम करेक्ट कर रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है सेट पे, वो हिसाब से वो फिल्म बन जाती है और मिलियू में सेट हो जाती है। हम लोग कास्टिंग करते समय फिर यही होता है कि हम लोग कास्ट कहाँ से चुन रहे हैं, हम लोग कास्ट जिस को आप प्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट करवा रहे हो, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है फिल्म, उन्हीं में से एक्टर्स चुनो। हमारे एक्टर्स भी मिडिल क्लास महाराष्ट्र, हमने दो जगह जो है हम लोग डिविएट हुए पूरी फिल्म में। उपेंद्र लिमे ने रेड्डी का रोल किया, अब उसमें यह था कि हमको चाहिए था साउथ इंडियन जो बॉम्बे में पला बढ़ा है होटल बिजनेस का रेड्डी। सो बॉम्बे के रेड्डी में से एक्टर्स ढूंढना वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग उपेंद्र लिमे से हमने वो रोल कराया। एंड ही वर्क्ड ऑन दी एक्सेंट एंड टोन एंड एवरीथिंग। वो इतने सीनियर एक्टर, इतने कमाल के वो आए, अच्छा लगा मुझे। फिर दूसरा सुशांत जो है एक्चुअली मलयाली है, लेकिन उसको हमने फिल्म में तमिलियन बन दिखाया। तो ये दो जगह हम लोग डिविएट हुए बिकॉज वो और कारणों से हम लोग ने उसको क्रिएट किया। सर एक और चीज, जैसे अभी आपने बोला ना रिसर्च कि आप सच दिखाना चाहते हो, ठीक है, जो है उस कहानी का सच पकड़ के उसको आप कैरेक्टर का सच, जो स्टोरी का जो एक सच होता है वो अपने आप में डिसाइड होता है, उसका ट्रूथ बस वो। हमें डिमोनेटाइजेशन का सच नहीं दिखाना है बार बार, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, उसके सबके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अलग है। तो यहाँ पर सरिता का जो एक्सपीरियंस रहा डिमोनेटाइजेशन का, यार इट्स लाइक हर पार्ट ऑफ द ट्रूथ। सो कैन वी से, आपको बताया कि जब मैं बताती हूँ आपको, आई वॉज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू स्टडी लिटरेचर, ठीक है, तो उसमें एक चीज मैंने पढ़ी थी कि जेरेमी बेंथम की एक जो है ना वो पेनोप्टिकॉन, अगर आपको पता होगा, यू नो लाइक अ सर्वेलेंस कैमरा। सो व्हाट सर्वेलेंस कैमरा बेसिकली दे डू इज They just show things as they are. उसमें कुछ उसमें अलग या कोई क्रिएटिव लिबर्टी या कुछ ऐसे नहीं है, showing things as they are. So can we say that your film, you know, is also maybe something, you know, that we can relate to Jeremy Bentham की जो पूरी philosophy है उसको लेकर के, Panopticon को लेकर के? नहीं, मैं ऐसा सोच के तो फिल्म नहीं बनाता हूँ। Thing is, see film. फिल्म कौन सी आपको याद रह जाती है जो आपके अंदर कुछ प्रोवोक करती है या कुछ इवोक कर जाती है? अगर आपके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं या कोई भी एक चीज, मतलब फिल्म में से मैं जो जब लोगों से बात करता हूँ तो जो दो तीन चीजें से फिल्म सबसे ज्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं, जिन्होंने किससे सुने
उनके लिए सबसे मजेदार है बैंक का ओपनिंग सीन जहाँ पे माइक्रोचिप की बात होती है। जो फैमिली लाइफ में रहे उनके लिए सबसे मजेदार सीन है जब वो बच्चे के ऊपर लड़ रहे हैं माँ बाप। कई लोग रिलेशनशिप में जो रहे हैं वो किसी और चीज से रिलेट करते हैं जब उनकी बड़ी फाइट होती है। कई लोग शर्मिली ताई के रिएक्शन उनका फेवरेट सीन है। तो कौन सी चीज आपको कहाँ पे इवोक, क्या इवोक करती है और क्या प्रवोक करती है, वो आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो आप जो है, तो आपने जैसे फिल्म देखी वैसे कोई और नहीं देखेगा। यू विल इंटरप्रेट इट बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। तो मैं जब कहानी हम लोग फिल्म बना रहे थे तो ये कहानी है, ये फिल्म हम यही बना रहे हैं। अब इतना ज्यादा नहीं सोचते कि क्या फिलोसफी और क्या नहीं। हम लोग सिर्फ वहां पे सोचते हैं, सिंबॉलिक फिल्म वहां पे होती है जब हमें मालूम हम ये ऐसे नहीं कह सकते तो कैसे कहें। अगर कोई चीज हम ऐसे नहीं कह सकते तो कैसे कहें। जैसे सेलिब्रेशन का डांस हमने तमिल में क्यों रखा, कहते इसको ऐसी भाषा में रखें ताकि वो एब्सर्ड लगे फॉर एन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। और वो तमिल कुट्टू डांस है, मतलब वो कुछ वो सेलिब्रेटरी डांस है। और हम लोग ने ऐसे रखा बिकॉज नहीं तो वो हम उस मेरे लिए जब सॉन्ग्स को मैं पॉलिटिकल तरीके से यूज करता हूँ कई बार। मेरा जो राजनीति होती है वो गानों में होती है, पॉलिटिक्स होती है सॉन्ग्स में होती है, क्योंकि उसमें कहना आसान होता है और उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से भी कह सकते हैं। चाहे आप मुक्काबाज हो, गुलाल हो, ब्लैक फ्राइडे हो, किसी भी फिल्म में देख लें गाने हमेशा पॉलिटिकल रहते हैं। तो हम लोग वही चीजें कहना चाहते हैं और उन्हीं चीजों को घुमाते हैं जो हम साफ साफ नहीं कह सकते बिकॉज हमें नहीं कहने दिया जाता। उसके बाद सामने वाला कैसा देखता है वो सिर्फ सामने वाले के खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है। वो फिल्मों के वो फिल्में कैसे देखता है तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। वही जो कि अभी इस पूरी चोक्ड फिल्म के साथ यही तो हो रहा है अभी कि लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगा लगा के कहां से कहां फिल्म को पहुंचा दे रहे हैं। Which is actually nice and I really like to read and I really like to watch people's interpretations. अच्छा है। Interesting the way that they put it out. नहीं वो I'm saying किसी को अच्छी लग रही किसी को बुरी लग रही सब अच्छा है। वो सब फिल्म की नीयत है। मेरी जिम्मेदारी तो ये होती है कि अगर एक फिल्म आपने बनाई और उस फिल्म से कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो ठीक है, सब अच्छा है। आप उसमें आपको जो कहना है कहिए, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना बड़ा एम्बिशन नहीं है कि हम फिल्म बनाएं और वो क्लासिक हो जाए। अच्छा, जो सेंसर बोर्ड का अब डू यू थिंक यू नो दैट दे हैव आल्सो यू नो स्टार्टेड टू बी ओपन टू मोर इंटरप्रिटेशंस एंड अब एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। जैसे आपकी जो फिल्म थी पांच नहीं रिलीज हुई लेकिन फिर बाद में दिल्ली में रिलीज हुई। नहीं पांच रिलीज नहीं हुई थी क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं थी सीबीएफसी की। सीबीएसई के चार स्टेजेस होते हैं, हमें पता ही नहीं था कि और तीन स्टेजेस होते हैं। एग्जामिनिंग कमेटी ने पिक्चर में रिजेक्ट कर दी तो हम उस पर लड़ पड़े और फिर वो ईगो इशू हो गया। लेकिन रिवाइजिंग कमेटी ने पिक्चर बाद में क्लियर कर दी। रिवाइजिंग कमेटी ने पिक्चर क्लियर हो गई, दो साल के अंदर पांच रिलीज सेंसर से क्लियर हो गई थी। उसके बाद वो अटकी कहीं और जाके, वो हमारे प्रोड्यूसर की दिक्कतों में अटकी। वो फिल्म सहारा के पास है, सहारा के पास गिर भी पड़ी वो पिक्चर। अब वो सहारा के हाथ में अगर वो पिक्चर रिलीज करे या ना करे। ओके, सो सर आल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि अब जैसे कोविड आ गया है, जो भी दुनिया खैर पूरी बदल गई है, काफी चीजें बदल गई है। सिनेमा भी अब ऐसा हो गया कि ठीक है बड़े बड़े पर्दे पे हुआ करता था कभी किसी जमाने में, नाउ इट इज ऑल कन्वर्ज थ्रू लाइक आवर लैपटॉप्स। ठीक है, तो ये पूरा जो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहीं पे तो देखा है, कहीं पे तो सुना, आपने बोला है कि आपकी फिल्में लोग टॉरेंट से डाउनलोड कर करके देखते थे पहले। करेक्ट, अब वो लीगलाइज हो गया है। सो डोंट यू थिंक यू नो दैट इज आल्सो लाइक अ रिवॉल्यूशन ऑन इट्स ओन, कि मतलब अब देखो, मतलब मुझे अब लोग सी, पहले लोग मेरी फिल्में देखते थे उसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता था। मतलब चूंकि लोग फिल्म देखते थे तो मुझे फिल्म बनाने को मिल जाती थी, लेकिन बड़े टाइट बजट्स होते थे, बहुत मुश्किलों में फिल्में बनती थी। अभी मुझे क्या है कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है कि फिल्म बनाने के लिए जितने ऑप्टिमम पैसों की जरूरत उतने मिल जाते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन देखते हैं तो उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले ऑनलाइन पिक्चरें देखते तो उसका कोई रेवेन्यू नहीं था,
तो उसका हाँ मुझे मुझे अभी एक डायरेक्ट फायदा मिलता है, पहले इनडायरेक्ट मिलता था वही, मतलब अब रिवॉल्यूशन